हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ इन अमेरिका। और मैं मनीषा चौधरी। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रकिंग लाइफ कैसी होती है। तो दोस्तों, ये 9 to 10 days का एक ट्रिप है। तो मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि हम लोग ट्रक में जब जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे हमारा टाइम स्पेंड होता है, पूरा दिन का हमारा जो भी रूटीन है वो कैसा रहता है, कहाँ से लोड उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, क्या क्या करना होता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं। तो सब कुछ मैं इसमें आपको बताऊंगी कि ट्रकिंग लाइफ कैसी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ अपने इस ब्लॉग के लिए, और मैं पूरा ट्राई करूँगी पूरा ये कैप्चर करने के लिए कि जो डेली रूटीन है वो कैसा रहता है ट्रकिंग लाइफ में। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। एंड पहले आपको बताऊँगी कि ट्रक कैसा होता है, अंदर से ये कैसा दिखता है, और इसमें कितना स्पेस होता है, कैसी इसमें कबर्ड होती है, किस तरह की, और इसमें क्या क्या हम लोग लगा के रखते हैं। क्योंकि जब आप 9 to 10 days के एक टूर पे जाते हो तो आपको रहने के लिए बहुत ही सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रक जो होता है ये इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसी में ही आपके लिए सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो दोस्तों, ये होता है ट्रक में। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी फ्रंट कैसा होता है। ये ड्राइवर सीट है यहाँ पे, और ये एक और होती है को ड्राइवर सीट, और आगे से इसमें पूरी जो मशीन होती है, आई मीन जो भी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं, वो लगी होती है। फिर ये आपका आ जाता है बैक पार्ट, जिसमें कि आपके लिए एक बेड होता है। और दोस्तों, ये इस तरह की कबर्ड होती हैं। कबर्ड में आप अपना सामान सेट कर सकते हैं प्रॉपर। तो कबर्ड बहुत ही ज़्यादा इसमें लगाई जाती है आपके सामान के लिए, आपकी ग्रोसरीज़ के लिए। ये एक और ऊपर बेड होता है आपके को ड्राइवर के लिए, और एक ये मेन बेड होता है जो कि आप अगर सिंगल हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इस तरह के स्पेस होते हैं जिसमें आप अपना डेली यूज़ की छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हो, ये ऐसे। और आपके उसमें फ्रिज, ये फ्रिज का पार्ट होता है, यहाँ पे ये फ्रिज होता है आपका। और ये होती है आपकी मेन कबर्ड जिसमें आप अपना वैसा सामान रखते हो, लाइक बैग्स एंड ऑल। और मोस्टली तो यही होता है दोस्तों ट्रक में। बाकी बने रहिए वीडियो में एंड तक, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने। तो दोस्तों, जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। एसी चलाने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं ये मानती हूँ कितना हार्डवर्क है ये जो भी ट्रक चलाते हैं, जो भी ड्राइवर होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग है ये जो चीज़ है। क्योंकि इतनी गर्मी के बावजूद भी जब सनलाइट होती है, सामने से भी होती है, कई बार आपको उसमें भी ड्राइव करना पड़ता है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों, अभी हम लोग निकल गए हैं, अभी लोड उठाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जब लोड उठाएंगे तभी हमें पूरी जर्नी अपनी स्टार्ट करनी होगी। तो अभी हम उसी को पिक करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी जाने में थोड़ा टाइम लगे। तो दोस्तों, अभी हो रहे हैं 6:20, और थोड़ा सा भूख लगी है हमें। तो अभी मैंने खाया पीच और राहुल एप्पल खा रहे हैं। रास्ते में चलते हुए हम लोग फ्रूट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा हाइड्रेशन भी होता है, वाटर इनटेक भी हो जाता है अच्छे से। और अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो आपको पता ही, आप लोग हेल्दी भी रहते हो। और जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो हम लोग जूसी फ्रूट्स ज़्यादा ट्राई करते हैं, और एप्पल तो आपको पता ही है दोस्तों, बिल्कुल एवरग्रीन फ्रूट होता है। तो अभी हम लोग एप्पल खा रहे हैं और मैं पीच। तो चल रहा है हमारा काम, इधर मैं अपना मूवी भी देख रही हूँ, और मूवी देखते हुए मुझे कुछ ना कुछ खाना बहुत पसंद होता है, तो इसलिए मैंने नमकीन और चने के दाने लिए हुए हैं। तो दोस्तों, मैं मूवी और नमकीन चने खा रही हूँ, और राहुल को मैंने एप्पल दिया है खाने के लिए। तो 6:20 हुआ है, अभी हम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में अपने कंपनी में पहुँच जाएंगे जहाँ से हमें लोड पिक करना है। तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है शाम के 7:30, और हम लोग ऑलमोस्ट कंपनी में पहुंच गए हैं। डोर पे लगा लिया है हमने अपना ट्रक, तो यहाँ से हमारा होगा पहला लोड जो पिक है। ये इस तरह का ट्रेलर होता है दोस्तों, जिसको पीछे डोर पे लगा दिया जाता है बैक साइड में। वो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी कि कैसी होती है। ग्रीन लाइट जो है, यानी कि आपका लोड हो रहा है जो भी सामान है ट्रेलर में। और ये इस तरह के ट्रक होते हैं, और ये ट्रेलर है पीछे जो वाइट कलर का पार्ट है। तो ये अब पीछे बैक पे लग जाएगा, और ये लाइट्स यहाँ से जलती रहती है, जो कि हम अपने मिरर से, साइड मिरर से देखते रहते हैं कि लोड हुआ या नहीं। तो अभी हम पहली कंपनी में हैं फर्स्ट पिक के लिए, और उसके बाद हम आगे जाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए आप, थोड़ा फ्लैग लगे हुए हैं, इंडिया बोल रहे हैं, सॉरी।
दोस्तों इस तरह की होती है ये कंपनी जहाँ से लोड पिकअप करना होता है और ड्रॉप करना होता है। तो ये वेयर हाउस होते हैं काफ़ी बड़े बड़े जिसमें कि बहुत सारा सामान होता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ट्रक जो हैं अपना वेट कर रहे हैं अपने अपने जो कि उनका टर्न होगा उसका। और ये सामने है चेक इन ऑफिस, चेक इन कराना होता है कि भाई हमें डोर दे दो, कौन सी डोर पे हमें ट्रक लगाना है अपना। और ये सामने राहुल भी चले गए हैं चेक इन के लिए, अभी पता चल जाएगा। ये हमारी सेकंड कंपनी है जहाँ से हमें पिकअप करना है कि हमारा लोड होता है या नहीं अभी, क्योंकि रात हो गई है, काफ़ी लेट हो गए हम लोग। 9:30 हो चुका है, 9:30 PM। और इसके बाद हम लोग करेंगे डिनर और मैं ट्रक में बनाऊंगी डिनर फर्स्ट, क्योंकि हम लेट हो गए हैं। तो लेट्स सी क्या बना पाते हैं डिनर में, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों अभी 9:58 हो चुके हैं और अब खाने का थोड़ा टाइम हो गया, तो मैं बनाऊंगी अभी मैगी। तो ये है मेरा ग्रोसरी स्टोर जहाँ पर मैं रखती हूँ अपनी ग्रोसरी। तो मैं अभी रात हो गई है क्योंकि और आज हमारा जो डे था डे वन वो हुआ था इवनिंग से स्टार्ट। तो दोस्तों मैं बनाऊंगी अभी मैगी, और मैगी तो सबको ही पसंद होती है ऑलमोस्ट, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मैं निकालूंगी अपना सामान थोड़ा सा, और ये मैं निकालूंगी थोड़ा मसाले उसमें डालने के लिए मैगी में। तो दोस्तों ये है हमारी गैस जो कि है फोल्डेबल गैस, यहाँ पे किसी तरह की आती है। वैसे तो हम लोग इलेक्ट्रिक राइस कुकर भी यूज़ करते हैं मोस्टली कुकिंग के लिए, लेकिन अभी हम इसको यूज़ करेंगे गैस को। तो ये इस तरह की गैस होती है, मैंने आपको पहले भी शायद दिखाई हुई है कि ये गैस को मैं एक सेकेंड सेटअप करती है। मेरी गैस बिल्कुल रेडी और मैं इसको बस अभी मैगी वगैरह डाल के इसको ऑन करूँगी। ये है मेरा छोटा सा फ्राई पैन। तो बना रहे हम मैगी ही खाना। तो ये दोस्तों बन रही है बिल्कुल प्लेन मैगी, क्योंकि थोड़ी सी रात हो गई है और हम लोग ज्यादा से नहीं कुछ कर पाएंगे। बाय आप ये क्यों कर रहे हो, लाइट बंद करके आपको क्या मिलेगा? अरे एक जैसा रहने लो ना। I'm just trying to do something bad. तो दोस्तों जब तक बनेगी हमारी मैगी हम लोग देखेंगे कोई अच्छी सी मूवी। और ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है सब कुछ सही, सामान सेटिंग। ये देखो आपको ऐसा लगता है, काफ़ी स्पेस होता है ट्रक में भी। जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रक में कैसे रहते होंगे कैसे खाते होंगे, काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों, इतना स्पेस होता है, पूरा सामान वगैरह भी आप सब कुछ रख सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये देखो कितना अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स ट्रक में रहना, ट्रक में खाना पीना। ये बन गई है दोस्तों हमारी मैगी और हमने लगा लिया है अपना अच्छा सा सीरियल। तो दोस्तों ये थी हमारे आज पहले दिन की वीडियो जहाँ हम आज लोड उठाने आए हैं और डिनर हम कर चुके हैं। तो रात के बज रहे हैं 11, अब है सोने का टाइम, सुबह उठते हैं, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।